तो हे एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज जो मेरा पास प्रिंटर है एप्सन का एप्सन L3260, इस प्रिंटर में जो प्रॉब्लम है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर एरर दिखा रहा है। स्कैनर एरर फॉर डिटेल सी योर डॉक्यूमेंट, जो इसका जो एरर कोड है 1000016। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं 100% सॉल्व करके आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका जो स्कैनर है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों का जो एरर मैसेज है आ रही है, जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम पावर ऑफ करते हैं। पावर ऑफ करने के लिए दोस्तों पावर बटन को एक बार दबा के दोस्तों ओके वाला बटन को एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है जब आप लोग पावर ऑन करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद पावर में ऑन किया एंड दोस्तों देख सकते दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले है यहाँ पर कॉपी एंड दोस्तों यहाँ पर जो स्कैनर है यहाँ पर रुक जाती है और दोस्तों यहाँ पर कुछ आवाज निकालती है, बू जैसा कुछ आवाज निकालती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्कैनर एरर का प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक स्क्रू देखने में मिल जाएगा, ये वाला स्क्रू एंड दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू देखने में मिल जाएगा। दोनों स्क्रू को आप लोगों को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंटर का पावर ऑफ करेंगे। प्रिंटर का पावर ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमारा जो पावर केबल है इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों पेपर को भी निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रू है दोनों स्क्रू को हम लोगों को खोलना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग खोलेंगे। आप लोग चाहे तो अपने घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं, कहीं भी ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग ये जो स्क्रू है इसको हम खोल लेंगे। तो चलिए स्क्रू को हम जल्दी से जल्दी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो स्क्रू है दोनों स्क्रू को आप लोगों को खोलना पड़ेगा। तो स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों ये जो स्कैनर है आप लोगों को ऊपर उठेगा। तो कुछ इस तरह से इसको आप लोग निकालेंगे नीचे। निकालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो स्कैनर है बिल्कुल इस तरह से ऊपर उठ जाते हैं। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक लॉक है। इस लॉक को खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू को भी आप लोगों को खोलना पड़ेगा। ये वाला जो स्क्रू है स्क्रू को आप लोग खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस साइड वाला जो कवर है इसको आप लोग यहाँ से खींचेंगे। बिल्कुल इस तरह से खींचने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड कवर है बिल्कुल इस तरह से ओपन हो जाएगा। देख सकते दोस्तों बिल्कुल जो हमारा साइड कवर है वो खुल चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये जो लॉक है इस लॉक को आप लोग सिंपली यहाँ से खोल लेंगे। देख सकते दोस्तों बिल्कुल इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है केबल है, इस केबल को आप लोगों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली इस टेप को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद दोस्तों ये जो केबल है इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा। इसको स्विच पैनल केबल कहते हैं। इस स्विच पैनल केबल को हम लोग खोलेंगे एंड दोस्तों ये जो है हमारा स्कैनर केबल, तो स्कैनर केबल को हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक केबल है, इसको भी हम लोग खोल लेंगे। यहाँ पर जो है स्क्रू दिया हुआ है तो स्क्रू को हम लोग खोलेंगे। ये जो है आर्थिंग का स्क्रू है, इसको खोलने के बाद दोस्तों स्कैनर को हम लोग बिल्कुल इस तरह से निकालेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारा प्रिंटर जो है स्कैनर से बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंटर को साइड करेंगे। साइड करने के बाद दोस्तों जो प्रॉब्लम है दोस्तों स्कैनर में प्रॉब्लम है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर को खोलेंगे। स्कैनर खोलने के लिए तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है। तो चारों तरफ स्क्रू है, आप लोगों को सभी स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी स्क्रू को खोल लेते हैं। ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्कैनर में धूल जाने के लिए प्रॉब्लम आती है। तो हम स्क्रू को जल्दी से जल्दी खोल लेते हैं। Thank you.
उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे अनलॉक करना है, बिल्कुल इजी अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह से हमारा जो स्कैनर है वो बिल्कुल खुल जाएगा। खोलने के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो स्कैनर है ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमारा जो स्कैनर सेंसर है, ये वाला जो सेंसर है इसमें धूल चला जाती है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम ठीक से क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसको हम साइड में रखते हैं। रखने के बाद दोस्तों ये जो हमारा शीशा है, यहाँ पर का जो शीशा है, इसको हम क्लीन करेंगे। आप लोग ग्लास के मदद से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये जो है शीशा है, इसमें बहुत सारा धूल है। इसका हम क्लियर करेंगे एक कपड़े के मदद से। आपका जो स्कैनर एरर का प्रॉब्लम है दोस्तों, वो इस सेंसर के लिए आती है। ये जो है हमारा स्कैनर का सेंसर है, इसमें अगर आप लोगों का धूल मिट्टी जमा होगा तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम 100% गारंटी आएगा। इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है 100% गारंटी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका धूल को पोंछने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग क्या करेंगे, जो शीशा है पहले जैसे था बिल्कुल वैसे हम लोग लगा देंगे। इसको लगाना बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से यहाँ पर आप लोग सिंपली यहाँ पर लगाएंगे और इसका जो अनलॉक है वो ऑटोमेटिक लॉक जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो देख सकते दोस्तों हमारा जो शीशा है बिल्कुल फिट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्कैनर है इसमें थोड़ा सा धूल है तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। जो आप लोग ब्रश की मदद से कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग हमारा जो स्कैनर है उसको फिट कर देंगे। तो फिट करना बहुत इजी है। सबसे पहले नीचे आप लोग इसको बैठाएंगे। बैठाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्कैनर है ऊपर से आप लोगों को बिठाना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह से, तो काफी इजी है। तो स्कैनर है अभी आप लोग
आप लोग देख लेना चारों तरफ से ठीक ठाक फिट हुआ कि नहीं। तो फिट होने के बाद दोस्तों थोड़ा धूल जो है इसको हम पोंछ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो स्कैनर है बिल्कुल फिट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, स्कैनर को लगाएंगे हमारा प्रिंटर में और दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थ करके दिखाएंगे बिल्कुल लाइव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंटर है प्रिंटर में भी थोड़ा धूल है तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। आप लोग जब प्रिंटर को खोलेंगे तो उसको थोड़ा वगैरह जब धूल दिखती है तो उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रिंटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम इस धूल के लिए आती है, ये जो मिट्टी है इसके लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज दोस्तों प्रिंटर का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए अभी स्कैनर को सेट कर लेते हैं। तो स्कैनर सेट करने के लिए तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनर का जो लॉक है यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा खींचेंगे, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग केबल को सेट करेंगे। ये जो यहाँ पर जो केबल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो केबल है, ये जो है स्कैनर केबल और दोस्तों ये जो है स्कैनर मोटर केबल है। तो इस दोनों केबल को सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, धीरे से यहाँ पर बोर्ड में लगा देंगे। केबल कनेक्ट करना बहुत ही इजी है, अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं केबल जो है हमारा कनेक्ट हो चुकी है और दोस्तों ये जो केबल है ये आर्थिंग का केबल है, जो आर्थ है प्रिंटर का उसका इसका केबल है। इसको यहाँ पर बोर्ड स्क्रू देकर लगाना पड़ेगा, तो इसको बाद में लगाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जो है हमारा स्विच पैनल केबल है, ये जो केबल है स्विच पैनल केबल है, तो इस केबल को हम लोग लगाएंगे जो यहाँ पर बोर्ड में सबसे सामने है, इसको हम लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रू से मदद से हम लोग लगा देंगे। तो हमारा जो केबल है बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ये साइड का जो लॉक है इस लॉक को भी हम लगा देंगे। जो लॉक लगाना काफी इजी है, देख सकते हैं लॉक बिल्कुल लग चुकी है। तो अभी हम प्रिंटर का पावर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। तो अभी क्या करेंगे, प्रिंटर का जो पावर है इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद देखेंगे दोस्तों हमारा जो स्कैनर है वो मूव हो रहा है कि नहीं। पहले जो स्कैनर था वो बिल्कुल एक जगह स्थिर था, कोई भी मूवमेंट नहीं था। अभी देख सकते हैं स्कैनर जो है हिल रहा है। देख सकते दोस्तों स्कैनर जो है अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी लिखा आ चुकी है।
तो सिंपल हम लोग कॉपी में एक बार ओके करेंगे। एंड दोस्तों अभी आप लोगों को मैं एक जेरोस करके दिखाता हूँ। बिल्कुल जेरोस करने के लिए पीछे यहाँ पर पेज दे देंगे। पेज देना कंप्लीट। पेज देने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्फर्म मांग रही है, मतलब पेपर जो सेंसर है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं क्या जेरॉक्स करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक 500 का नोट जेरॉक्स करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इनलीगल है, आप लोग घर पर बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। तो सिंपल 500 का नोट दे दिया। दोस्तों जेरॉक्स वाला जो बटन है इसको ब्लैक एंड व्हाइट चूज करके हम लोग जेरॉक्स कर देते हैं। दोस्तों अभी चेक देखेंगे हमारा जो प्रिंटर है वो जेरोक्स होता है कि नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों अभी जो हमारा प्रिंटर है वो जेरोक्स करना स्टार्ट कर दी है, मतलब हमारा जो प्रिंटर का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो चुकी है। देख सकते हो दोस्तों हमारा जो 500 का नोट है बिल्कुल क्लियर निकली है, देख सकते बिल्कुल क्लियर निकल चुकी है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पे जो भी नया है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो स्कैनर हीरो का जो प्रॉब्लम होते ही ज्यादातर ज्यादा आप लोगों को स्कैनर का जो सेंसर का धूल है उसको क्लियर करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखे है तो मुझे लगता है आपका जो प्रॉब्लम है आप लोग खुद अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।